और वहीं अमेठी के गौरीगंज से सपा के विधायक राकेश प्रताप सिंह अपने क्षेत्र के विकास को लेकर हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। सपा विधायक ने विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित को कल अपना इस्तीफा सौंपा था। जेएमडी न्यूज से बात करते हुए सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने कहा कि अपने क्षेत्र की जनता की सहमति पर ही उन्होंने ये कदम उठाया है और जब तक हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हो जाता तब तक वो धरने पर ही बैठे रहेंगे। उन्होंने कहा यह कोई चुनावी दाव नहीं है बल्कि पिछले 4.5 सालों से वह अपने क्षेत्र के विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं। अमेठी के गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह इस दिनों सुर्खियों में और सुर्खियों ऐसी है क्योंकि कल इन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। हमारे साथ खुद राकेश प्रताप सिंह हैं जो गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठे हैं। इस्तीफा आपने दिया है, मुख्य वजह उसकी? इस सरकार के अफत बयान कुछ ना करने की दफ़ा में मैंने इस्तीफा दिया है। ये सरकार केवल झूठ बोलती है, झूठा आश्वासन देती है, लोगों को गुमराह करने का काम करती है और जनप्रतिनिधियों के अधिकारों को समाप्त कर लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमज़ोर करने का काम कर रही है। आपने आरोप लगाया है कि विकास कार्य जो आपके क्षेत्र में होने चाहिए वो नहीं हुए, सड़कें नहीं बनी हैं, क्या कभी आपने इसके लिए प्रयास किया या 4.5 साल हो गए क्योंकि अब चुनाव करीब है तो अंतिम समय ही क्यों आपको लगा कि अब इस्तीफा देना चाहिए? पहला प्रयास मैंने 21 दिसंबर 2018 को किया था और मुख्यमंत्री जी का निर्देश भी हुआ था कि इन सड़कों को 15 दिन में बनवा लिया जाए और 19 से लगातार 7 बार प्राकलन समिति में लगा चुका हूँ, प्राकलन समिति की उप समिति बना के स्थलीय निरीक्षण करा चुका हूँ, सदन में 2 बार लगा चुका हूं और 25 फरवरी 2021 को सरकार का अस्पष्ट आश्वासन आया है कि 3 महीने से न्यूनतम समय में इन दोनों सड़कों को बनवा दिया जाएगा। तो मेरा प्रयास तो अभी 6 महीने चुनाव को बचा, 6 महीने कार्यकाल को बचा है, 3 साल से पीछे प्रयास कर रहा हूं, 16 में सड़क बनी थी, 18 से लगातार प्रयासरत हूँ, तो ये चुनावी स्टंट नहीं है। 3 साल से 150 पन्ने की मेरी फाइल तैयार हो गई है, लिखते पढ़ते अधिकारी को लिखते, मंत्री अधिकारी को लिखते, सदन की कार्रवाई, प्राकलन समिति की कार्रवाई, तो ये कहना कदाचित उचित नहीं है कि ये चुनाव के समय, ये 2018 दिसंबर से प्रयास चल रहा है। तो आपने कल इस्तीफा सौंपा है, हरदयाल दीक्षित का इस्तीफा मंजूर हो गया है आपको? अब ये तो वो जाने दे, हम तो इस्तीफा दे के चले आना, मेरा काम है। क्षेत्र की जनता से आपने राय ली थी इसके पहले जो आपने कदम? क्षेत्र की जनता से मैंने राय लिया, क्षेत्र की जनता से मैंने कहा कि इस तरह से, तो क्षेत्र की जनता ये भी जाती है, जानती है कि 2-2 बार प्राकलन समिति के निर्देश पे, 1 बार टीम और 1 बार प्राकलन समिति का मैं सदस्य हूँ, स्वयं दोनों सड़कों का निरीक्षण किया और उस रोड पे जितने गांव पड़ते हैं हर गांव के 100-200 लोग रोड पे खड़े होकर समिति का स्वागत किया और सड़क की खराब होने की दफ़ा पे अवगत कराया के समिति का स्वागत किया और सड़क की खराब होने की दफ़ा पे अवगत कराया। आगे क्या रणनीति रहेगी अगर नहीं सुनते, क्योंकि चुनाव भी सर पे है, किस तरह की रणनीति आपकी रहेगी? इसी अवस्थान से या जहां ये सरकार और पुलिस प्रशासन रखेगी वहीं से इस सरकार को हटाने का काम करूंगा और समाजवादी पार्टी को इस सरकार को बनाने का काम करूंगा। इस संबंध में आपकी बात हुई है क्या पार्टी सुप्रीमो से आपकी कि मैं इस्तीफा दे जा रहा हूँ? बिल्कुल, मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हुई है और मैंने उनके संज्ञान में डाल दिया है, तो उन्होंने कहा तुम्हारे क्षेत्र का व्यक्तिगत मामला है, तुम्हें जो ठीक लगे। लड़ाई आपकी जारी रहेगी? बिल्कुल जारी रहेगी, निश्चित तौर पर। साफ साफ कहना है कि लड़ाई जारी रहेगी जब तक इनके क्षेत्र का विकास नहीं हो जाता। कैमरामैन सुमन के साथ राव श्रीवास्तव, जेएमडी न्यूज लखनऊ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnewsflash।